हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेप टीम में। बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का अभी हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसको देखने के बाद बच्चों ने कमेंट किया कि अकाउंट का भी वैसा ही वीडियो बनाइए। मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में वह कौन सा चैप्टर है, कोई मुख्य 5 चैप्टर जिसको बनाए और उसी का क्वेश्चन एग्जाम में आए, ऐसा हर कोई चाहते हैं। वो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया है, जिसका सोल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया वीडियो पे। आप चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेगा बीकॉम फर्स्ट। उसके अंदर आप आएंगे तो आपको आबीयू, मैट्रिक, लघु गुणक, चक्रवृद्धि व्यास सभी के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो उसको देखने के बाद आप उस चैप्टर के प्रश्न को बना सकते हैं। और इसके ही साथ साथ मैं अभी जल्द से जल्द आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आ सकते हैं, जिनका आपको बनाकर अभ्यास करना है। ठीक, तो मैं लेकर के आ गया हूं अब अकाउंट का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मुख्य बातें। ध्यान से सुन लीजिए, फिर वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी स्किप मत कीजिए। बताने वाला हूं कि अकाउंट में अगर आप अकाउंट नहीं बना सकते, अगर आप थ्योरी पढ़ करके पास होना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वह कौन से चैप्टर है जिसका थ्योरी आप पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में आएगा, आप पूरा 15 में 15 नंबर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे जो मैंने चैप्टर के नाम लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन जो नाम आप यहाँ पर बोर्ड में देख रहे हैं, ये वो नाम है जिनसे थ्योरी आता है और जिनसे पूछा जाता है। अब इनमें से मुख्य क्या है, अभी मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में 5 प्रैक्टिकल आने हैं और 5 थ्योरी आने हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप प्रैक्टिकल बना करके पूरा 15 नंबर पा सकते हैं, 75 में 75 ला सकते हैं, या फिर आप थ्योरी बना सकते हैं। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं इस समय कॉलेज में, एक जो रेगुलर कॉलेज करते रहते हैं, ट्यूशन करते हैं और अकाउंट बनाना उनको आता है, कुछ बच्चे जो हाल ही में जैसे टाइम टेबल आता है एग्जाम फॉर्म कम्प्लीट करते हैं, फिर 1-2 महीने का बस समय होता है, ये लोग बच्चे बस 1-2 महीने में तैयारी करना चाहते हैं। तो 1-2 महीने में तो प्रैक्टिकल नहीं बनना, कुछ कुछ जो 11वीं 12वीं के आधार पर है वो बन सकता है, पर हर प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो आपके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी पढ़ के अपना 15 नंबर आप भी पा सकते हैं, आपका भी 1 भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन कौन से वो मुख्य चैप्टर हैं जिनका हमें थ्योरी पढ़ना है और किस टाइप से थ्योरी पढ़ना है, इसको भी अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले जो प्रश्न मिलेगा वो पंजी पुरुष्टि का मिलेगा, जिसमें जीएसटी वाले भी प्रश्न प्रैक्टिकल के आ सकते हैं, नॉर्मल प्रश्न भी आ सकते हैं, जिसमें बट्टा, डिस्काउंट, बैंक संबंधी सभी अलग अलग प्रविष्टियां होती है। एक नगद लेन देन की होती है, एक बैंक के द्वारा होती है, एक बट्टा डिस्काउंट वाला होता है। ठीक है, इस तरह जीएसटी वाले होते हैं, नगद उधार, सभी तरह की जो प्रविष्टि मिश्रित प्रविष्टि होती है, ये आपको मिलेगा लगभग 15 से 20 पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ही 15 नंबर का होगा। ठीक है, तो जितना बड़े से बड़ा प्रश्न आपको मिलता है आपके उदाहरण और क्रियात्मक प्रश्न में, आप उनका अभ्यास करें। ठीक, अब ध्यान दीजिए थ्योरी क्या पढ़ना है। थ्योरी के लिए मैंने 3 चैप्टर लिखा है, लेखांकन, लेखांकन के आधार और सिद्धांत, भारत में मानक। अब ये जो 3 नाम मैंने लिखा है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेखांकन। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ये लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत। अगर ये 2 चैप्टर का आप थ्योरी पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चिल हो सकते हैं कि हाँ अब आपसे 1 नंबर का प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, लेखांकन से क्या प्रश्न आएंगे देखिए, लेखांकन, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, इसमें नियम पता चलेगा, यहाँ पर आपको बेसिक इसकी हिस्ट्री पता चलेगी, थ्योरी पता चलेगा कि लेखांकन क्या है। ठीक है, लेखांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, लेखांकन के गुण क्या है, लेखांकन के दोष क्या है। ठीक है, ये जो 3 बातें मैंने बताया, हर चीज में गुण, दोष, जिसको हम सीमा भी कह सकते हैं, ठीक है, या सीमाएं, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, कठिनाई भी बोलते हैं इनको। तो एग्जाम में अब देखिए, आपके बुक में अगर आपको दोष मिला तो एग्जाम में उसको दोष ही करके नहीं देगा, एग्जाम में लेखांकन की कठिनाई बताइए या बोल दिया जाएगा सीमाएं बताइए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, लाभ पूछ सकता है, ठीक है, प्रकृति पूछ सकता है, जिसको हम विशेषता बोलते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको हर चैप्टर के थ्योरी में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 2 चीजों को भी एक साथ पूछ सकता है। ठीक है, या इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट होगा, 12 से 15 पॉइंट अगर किसी थ्योरी में आपको मिला, ऐसे थ्योरी को आपको पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, फिर वो चाहे गुण का हो, चाहे दोष का हो, चाहे लाभ का हो, चाहे विशेषता का हो।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। और इनको पर्यायवाची क्या क्या बोलते हैं आपको भी पता होना चाहिए। पता चला कोई बच्चा बूढ़ा लाख पढ़ के गया है, एग्जाम में पूछ दिया इसका फायदा क्या है लेखांकन का बताइए, अब सोच में पड़े लेखांकन का फायदा क्या, तो फायदा क्या होता है, लाभ होता है, गुण होता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो लेखांकन की परिभाषा, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने बोला लेखांकन का थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। तो लेखांकन में आपको कुछ मुख्य चीजें ध्यान रखना है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले लेखांकन की परिभाषा, या आप कह सकते हैं अर्थ, या आप कह सकते हैं परिचय, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ये बताया थोड़ा डिटेल में, तो आपको जो लेखक होते हैं, ठीक है, जितने भी महान लेखक है जिनकी परिभाषाएं दिया, परिभाषा दिया जाता है, ठीक है, 8-10 लेखक का दिया जाता है, उनमें से कोई भी दो जो आपको सरल लगे, उन दो लेखक का नाम आप लिख सकते हैं, मतलब उनकी परिभाषा लिख सकते हैं नाम समेत। तो इससे आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। सबसे पहले चेक होता है आपने परिभाषा कैसा दिया, फिर आपने किसकी परिभाषा को लिखा, ये दो चीजें देखा जाता है। फिर मान लीजिए आपको बोला है सीमा बताइए, ठीक है, लेखांकन की सीमाएं क्या होती है, दोष क्या होता है। चलिए आपने तीसरे नंबर पे उसके दोष बताना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि आपको मान लो 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपको याद है, आपने 1 पॉइंट लिखा उसका पूरा हिंदी लिखना शुरू कर दी उसके बारे में, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको हेडिंग डालना है इस तरह से, लेखांकन के दोष, लेखांकन की कठिनाई, ये आपने हाईलाइट किया। अब आपको यहाँ पर बताना है पॉइंट 1 में उसकी पहला क्या था, पॉइंट 2 यहीं पर दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, इस तरह से आपको चारों पांच जितने भी अंग आपको लाइन से पहले इसको लिखना है। एक पेज में सिर्फ इनका नाम लिख के भरना है, अगले पेज में या ये खत्म होते ही जो लाइन बचा उसके बाद आपको स्पष्ट रूप से उसका नाम लिखना है कि क्या आप बताना चाहते हैं, उसको दो बार नीचे लाइन के हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप सामने में दो बिंदु इस तरह से करके हाईलाइट करेंगे, फिर उसके बारे में लिखिए कि हाँ इसमें ये दोष होता है, ये कठिनाई है, और फिर उसके विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखने का मतलब कुछ भी मत फेंको, अगर 4 लाइन में उसमें बुक में समझाया गया तो आप भी 4 लाइन में समझाओ, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, ऐसे भी बता सकता हूँ, तो इसको और फेंक दो, इतना मत फेंको। अगर आप लिखकर अभ्यास करते हो, आपको लगा कि सिर्फ 4 पेज में इसका आंसर फुलफिल हो रहा है, तो आप ये मत सोचो कि आपको 8 पेज लिखना है, जितना पूछा गया है उतना लिखो, उतने में पूरा नंबर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा लिखने से आपको 15 के जगह एक ही क्वेश्चन में 30 नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि ये समझा जाता है अगर आपने बहुत ज्यादा लिखा कि इसको याद नहीं है, फेंक फेंक कर लिखा है। चेक करने वालों को पेज और आंसर की सीमा पता होती है कि कितने पेज में उसकी आंसर को फुलफिल दिया जा सकता है, वो पन्ना चेक करते हैं, उन्होंने देख लिया कि ये तो एक ही प्रश्न का आंसर 10 पेज में लिखा है, बस फिर पूरे पन्ने को राइट नहीं लगाएंगे, पॉइंट आपने लिखा तो पॉइंट चेक हो जाएगा, यहीं से आपको 15 में 8 या 7 नंबर बस देके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से मान लो आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत सारे बच्चे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7 नंबर के हिसाब से आपका 28 नंबर मिल गया, हो गया आप पास। बात समझ में आई, इस तरह से मिलेगा अगर आपने फेंक करके थ्योरी लिखा, तो फेंकना नहीं है। अगर प्रश्न ने पूछा लेखांकन क्या है, लेखांकन के दोष बताइए, या गुण और दोष दोनों को बताइए, ऐसा बोल दिया, या दोनों में अंतर बताइए, तो आपको क्या करना है, उसकी परिभाषा और लेखक की परिभाषा, फिर हेडिंग डाल करके गुण पूछा है तो गुण, दोष पूछा है तो दोष, दोनों में अंतर पूछा है तो कॉलम बना करके आप बता सकते हैं, या पहले पूरा गुण लिख सकते हैं फिर नीचे पूरा दोष लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट पॉइंट करके इस तरह से आपको बनाना है। तो आपको समझ में आया, आपको लेखांकन पढ़ लेना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया, 2 चैप्टर का थ्योरी पढ़ना है, ठीक, इम्पोर्टेंट थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक। अगला जो चैप्टर है उसमें से हमें पढ़ना है समायोजन, तलपट भी है, पूंजीगत आयगत, आयगत वाला जो 3 चैप्टर है इसमें से जो मुख्य है वो हमारा समयोजन है। समयोजन में जितना ज्यादा आपको थ्योरी मिलेगा, कुछ कुछ प्रैक्टिकल के साथ भी मिल सकते हैं, छोटा छोटा प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी जितना भी हो समयोजन का थ्योरी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही एक चैप्टर है जो दूसरे नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक, याद रखिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गैर व्यापारिक संस्था। अब गैर व्यापारिक जो संस्था है, ठीक है, इसके साथ में अगर इसको नहीं दिया तो यह तो मूल्यह्रास से देगा या तो प्रधान एवं संचय से देगा, तो आपको दोनों का याद रखना है। देखिए ज्यादातर होता क्या है, मूल्यह्रास में बड़े प्रैक्टिकल होते हैं तो इसको 11वीं में पूछा जाता है थ्योरी ना पूछ करके, और प्रधान एवं संचय से थ्योरी पूछा जाता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल आना निश्चित है,
ठीक है, हमारे सत्र को बदलने से पहले मूल्यराज जब था कॉलेज में, तो मूल्यराज से डेफिनेटली क्वेश्चन आते थे, पंजी प्रोष्टी का क्वेश्चन डेफिनेटली पहले क्रियात्मक प्रश्न में आता था। तो इस बार भी फुल चांसेस है कि पंजी प्रोष्टी के ही प्रश्न आएंगे पहले में, दूसरे में आपका मूल्यह्रास आ सकता है, नहीं आया तो फिर देखते हैं, अभी और तलपट है, अभी और भी चैप्टर है जिनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरे नंबर में बात करूं तो थ्योरी में आपको गैरों पारी संस्था की थ्योरी पढ़ लेना है, ठीक है, और ये इसमें आपको आय व्यय खाता, लाभ हानि खाता, ठीक है, आय व्यय खाता और जितने भी इसमें खाते उनमें अंतर, ठीक है, उसके नियम क्या है, मूल्यह्रास में प्रधान एवं संचय, मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण लिखिए, ठीक है, ये कुछ प्रविष्टि थ्योरी होती है जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक से बेसिक थ्योरी जो 11 में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अभी आप इंपॉर्टेंट रूप से आपको जो लाता है इसमें बहुत सारे पॉइंट है, 7 से अधिक पॉइंट है, उनको आप पढ़ते रहिए, ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा एक और वीडियो में, ये आपकी मुख्य मुख्य थ्योरी है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन समयोजन, गैर व्यापारिक संस्था, ये 3 चैप्टर मुख्य हैं। फिर किराया क्रय पद्धति और किराया किस्त पद्धति, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इस चैप्टर का प्रैक्टिकल बनाएंगे तो फिर इन्हीं में से एक प्रैक्टिकल आना है, वो किराया क्रय का भी हो सकता है, किराया किस्त पद्धति का भी हो सकता है, और थ्योरी भी दोनों में से मिला करके आना है, ठीक है। अब ऑप्शन है, वो चाहे तो किस्त पद्धति का थ्योरी दे सकता है, वो चाहे तो किराया क्रय पद्धति का दे सकता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इनका थ्योरी आना है, ठीक। अगला जो है लास्ट वो साझेदारी का है, साझेदारी से हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी उससे ही पूछा जाएगा। अब साझेदारी में क्या क्या थ्योरी हो सकते हैं, तो देखिए साझेदारी के बहुत सारे चैप्टर है, अगर आपने 12वीं पढ़ा है कॉमर्स में तो आपको पता होगा साझेदारी का मिलन, उनका नया प्रवेश, ख्याति, फिर उन अवकाश ग्रहण, मृत्यु, विघटन, जितने अलग अलग आपने टॉपिक पढ़ा है यही सब होते हैं। तो आपको साझेदारी संलेख के अधिनियम पूछ सकते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पूछ सकते हैं, साझेदार जब प्रवेश करते हैं तो क्या क्या नियम और शर्त होते हैं, उसके क्या अधिकार होते हैं, अवकाश ग्रहण के समय क्या क्या दशाएं होती हैं, क्यों होता है अवकाश ग्रहण, समापन क्या होता है, ठीक है, ये बहुत सारे जो होते हैं ऋण खाते बनते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं उसको उत्तराधिकारी को मिलने का, जितने भी थ्योरी है मुख्य रूप से जो साझेदारी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन थ्योरी को आपको पढ़ लेना है साझेदारी में, ठीक है। तो एक आपका साझेदारी का प्रश्न आ जाएगा, ठीक, किराया किस पद्धति का हो जाएगा, गैरोपालिक संस्था का, समयोजन का, लेखांकन का सिद्धांत, ये 5-6 चैप्टर आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपके थ्योरी आपसे बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक भी थ्योरी ना छूटे तो जितना हो सके उसमें जितने बड़े बड़े थ्योरी है आप सबको पढ़िए, पढ़ने का तरीका यही है, प्रश्न चाहे उसका दोष पूछे, चाहे गुण पूछे, चाहे लाभ पूछे, चाहे प्रकृति, कुछ भी पूछे, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसी को याद रखना है, हर एक चैप्टर का अपना एक नाम है, जैसे लेखांकन तो लेखांकन की परिभाषा अर्थ दिया होता है, आपको उसको पढ़ना है। साझेदारी क्या है, साझेदारी का परिभाषा क्या है, आशय क्या है, ठीक है, कुछ लेखक की परिभाषा लिखिए, फिर उसमें अगर जो भी पूछा है उसको फिर आप पॉइंट से बताइए, पॉइंट नहीं तो फिर 1-2 करके उसके बारे में पूरा लिखते जाइए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना और पढ़ना है, ठीक। तो आप मिलान करके भी देख सकते हैं कि पहले जब 5 साल में पूछा जाता था तो इनका थ्योरी और इनका प्रैक्टिकल आया है कि नहीं, किराया किस पद्धति में हमेशा उसी का आया है, मूल्यह्रास में आया, साझेदारी का आया, सबका प्रैक्टिकल आता है, सबका थ्योरी भी आता है। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल में माहिर हैं, ठीक है, उनको सभी से बन जाता है। तो आपको एग्जाम के कुछ दिनों में अभ्यास किसका करना है, पंजी पृष्ठ वाले रोज नामचा, ठीक है, इनका आपको अभ्यास करना है पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, यहाँ पर मूल्यह्रास का अभ्यास करना है, यहाँ पर किराया किस पद्धति का, और यहाँ पर आपको साझेदारी का अभ्यास करना है, ये 4 आपके कन्फर्म है। यहाँ पर देखना पड़ेगा तलपट स्पष्ट रूप से आ रहा है या कोई और इसमें जो 2-3 चैप्टर मिले हुए हैं, तो तलपट, पंजी प्रविष्टि, मूल्यह्रास, गैर व्यापारी का अभ्यास रखता है, पर ये ज्यादा चांसेस है मूल्यह्रास का, ठीक है, किराया किस पद्धति, साझेदारी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी बता दिया, थ्योरी भी बता दिया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप चैनल पर नए थे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बताने वाला हूँ, अकाउंट का और मैथमेटिक्स दोनों का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।